इसमें शिवानी कुमारी जो यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया की स्टार हैं, काफ़ी सुर्खियों में हैं और काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी की जा रही हैं, है कि बिग बॉस OTT 3rd में वो दिखाई दे रही हैं, गई हैं और उनकी आवाज़ और इंटरटेनमेंट को लेके लोग काफ़ी कुछ कह भी रहे हैं, कई लोग तारीफ़ कर रहे हैं तो कई लोगों का कहना है कि ओवर एक्टिंग कर रही हैं शिवानी। तो चलिए आज जानते हैं हम कि उत्तर प्रदेश के लोगों का क्या रिएक्शन है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से गई हुई हैं शिवानी कुमारी, लोग क्या कह रहे हैं उनके बारे में, क्योंकि अभी हाल के एपिसोड में आपने देखा होगा रवि किशन ने काफ़ी कुछ उनको बोला है, उनकी आवाज़ को लेके काफ़ी लोग कुछ ज़्यादा बातें कर रहे हैं कि काफ़ी इरिटेटिंग होती है उनकी आवाज़ और बदतमीजी से बात करती हैं। लेकिन आपका क्या रिएक्शन है, आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ में ही आज हम लोगों से बात करते हैं कि शिवानी कुमारी को लेके उनकी क्या प्रतिक्रिया है। देखिए, बेसिकली ज़्यादातर लोग गांव वालों को ट्रोल करते हैं, उनको लगता है कि गांव वालों को कुछ नहीं आता, एक गांव वाला पर्सन कैसे शहर पहुंच गया या ऐसे अचीवमेंट कैसे मिल गई उसको, तो काफ़ी लोग ट्रोल करते ही रहते हैं, लोगों का काम है, क्या ही कर सकते हैं उसमें। शिवानी अच्छा खेल रही है, हाँ वो उसका लाउड बोलना लोगों को चुभता है और अभी हाल ही के एपिसोड में रवि किशन जी ने भी उसको समझाया कि आप बदतमीजी करते हो, आप रणवीर सर को, वो रिस्पेक्टेड हैं, वो बड़े हैं, आप उनको छेड़ते हो। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर छोटे बड़े के छेड़ रहे हैं तो कल के एपिसोड में उन्होंने भी तो शिवानी को छेड़ा, तो अगर आप गेम खेलने गए हो उस बिग बॉस के घर में, वो खेलने गई है और वो उसका लाउड बोलना गलत, मतलब वो हमेशा से वैसे ही बोलती है, इसलिए तो बिग बॉस में उसको बुलाया गया है। तो अगर आप उसको जैसे बुलाए हो और आप ये कह रहे हो बार बार कि आप जो हो एक्चुअल आपको बिग बॉस के घर में वही दिखाना है, तो फिर आप ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप बदल जाओ। आप किसको पसंद करते हैं? शिवानी को पसंद करता हूँ। शिवानी उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और कैसी खेल रही है बिग बॉस में? एकदम बढ़िया खेल रही है, बस थोड़ी सी दिक्कत है उसके साथ, बाकी वो बढ़िया अपना कर रही है। शिवानी को लोग कहते हैं कि ज़्यादा तेज बोलती है, बदतमीज है, वो टोन में बोलती है इसलिए लोगों को बुरा लगता है, बाकी वो दिल से अच्छी है, दिल की अच्छी है। तो आप विनर के रूप में किसको देख रहे हैं अभी? शिवानी को। विशाल या शिवानी? अभी हाल में ही रवि किशन ने भी काफी कुछ बोला था शिवानी को लेके, हाँ क्या लगता है आपको? सही क्या उनका कहना सही है, क्योंकि हमारे बहुत सारे भोजपुरी लोग हैं, जैसे शिवानी, अब शिवानी तो यूट्यूबर हैं, बाकी सब एक्टर जैसे ये श्वेता जी, श्वेता तिवारी गए, मनोज तिवारी गए, ये लोग भी भोजपुरी एक्टर हैं, लेकिन इन्होंने कितने लहजे में, इनका भी झगड़ा होता था, डॉली बिंद्रा आई थी तो इनका कितना ज़्यादा झगड़ा होता था, बहुत लाउडली शिवानी से भी लाउड वो बोलती थी डॉली बिंद्रा कि बाप पे नहीं जाना उनका, तो जब देखो तब ऐसा होता था। तो इससे ज़्यादा तो कोई हमें डॉली बिंद्रा से ज़्यादा तो कोई होगा ही नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे लोगों के साथ उन लोगों ने खेला है, तो अपने लैंग्वेज को हमें सम्मान के साथ, संस्कृति को रखना है, तो उन्होंने सही बोला है शिवानी को। कुछ लोगों की आवाज़ लाउड होती है, कुछ लोग बोलते ही है वैसे ही, मैं भी थोड़ा वैसे ही बातें करती हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट बस वो अपना अपना वे है, जब इंसान समझ जाता है तो उसको समझ में आ जाता है कि हाँ ये उसका वे ऑफ टॉकिंग ही वैसा है। बाकी मुझे नहीं लगता कि वो तेज़ बातें करती है, मुझे तो उसका वे ऑफ टॉकिंग सही लगता है। हाँ कहीं कहीं वो थोड़ा सा तरीका चेंज है, फैमिलियर टाइप्स नहीं है, बट वहाँ वो तो बिग बॉस है, अगर वो फैमिलियर करने लग गई तो फिर तो ख़त्म हो जाएगा ना, कि गेम की तरह वो चला रही है। बाकी शिवानी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। कौन पसंद है आपको? शिवानी। शिवानी वाले वीकेंड में 7 लोग नॉमिनेट हुए हैं, जिसमें कृतिका अरमान और नेजी, साई केतन, सना मकबूल, सना खान और लवकेश भी हैं, तो कौन लगता है कि कौन इस बार वीकेंड के वार का उस पे वार गुजरेगी? मुझे लगता है अरमान, और मेरा वोट तो उसी को जाता है, और लोग को भी अभी तो उसको आउट खेलने ही नहीं देना चाहिए, बाकी सबको आगे लेके जाना चाहिए। और साई केतन तो मुझे लगता है कि वो भी, जैसे मैं कह रही हूँ ना शिवानी जाए 3rd तक, तो साई केतन भी ऐसे जाए, मुझे तो मेरा मन तो करता वही विनर हो जाए। अभी हाल में ही रवि किशन गए थे और उन्होंने कहा था कि संस्कृति के आड़ में तुम बदतमीजी कर रहे हो लोगों से, और काफ़ी कुछ बोला कि गांव के लोग ऐसे नहीं होते हैं, तुम यहाँ पे फेक दिखा रही हो,
उसके बारे में ट्रू खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।